एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी एप्लीकेशन की रिगार्डिंग जो दोस्तों आप अपने मनपसंद यानी कि दोस्तों आपको रिक्वायरमेंट है 5000 रुपए की, या फिर आपको रिक्वायरमेंट है 50000 रुपए की, या फिर आपको रिक्वायरमेंट है 30000 या फिर 20000 की। आप दोस्तों अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चूज कर सकते हो तो कि दोस्तों आपको कितना लोन यहाँ पर लेना है, कितने दोस्तों आपको रिक्वायरमेंट है, कितने भी जितने भी आपको लोन लेना है 20000 30000 50000 60000 70000 80000 1 लाख। यहाँ पर दोस्तों 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक यहाँ पे ये एप्लीकेशन यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाती है। वो भी सिर्फ आपके आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए, और दोस्तों आपके पास में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। मोबाइल नंबर दोस्तों आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसी की रिगार्डिंग पर दोस्तों आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर दोस्तों आपकी ऑनलाइन केवाईसी होती है तो दोस्तों उसमें दोस्तों आपके पास में आधार कार्ड में आपका नंबर लगा होना चाहिए। इसी बेस पर दोस्तों आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। आज की जो वीडियो होने वाली है, जो एप्लीकेशन मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं, इस एप्लीकेशन से दोस्तों आप अपनी मनपसंद से यहां पर लोन चूज कर सकते हो और दोस्तों अपने हिसाब से यहां पर लोन आप ले सकते हो पर्सनल लोन। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई बैंक स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर आपको कोई सैलरी स्लिप यहाँ पर देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर आप कुछ नहीं करते स्टूडेंट हो तो भी दोस्तों यहाँ पर आप लोन ले सकते हो। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो लाइक कर देना। अगर दोस्तों अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। तो दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको ऑन करके आपको दिखा देता हूं, लाइव प्रूफ आपको करके दिखा देता हूं। मैंने दोस्तों यहां पर अभी कुछ टाइम पहले 1 से 1.5 घंटा पहले मैंने यहां पर लोन अप्लाई किया था 5000 रुपए का। जैसे कि दोस्तों अभी ऊपर की साइड में आप देख पा रहे हो लोन आईडी मेरी ये थी, लोन स्टेटस मेरा यहाँ पर लोन जो लोन था मैंने 5000 रुपए का जो लोन अप्लाई किया था वो मेरा यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। किस कारण से कर दिया गया है, ये नहीं कि यहाँ पर मेरे को लोन मिला नहीं है, यहाँ पर दोस्तों कोई कारण था जिस कारण से यहाँ पर इन्होंने मेरा जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर 5000 रुपए का लोन अप्लाई किया था और दोस्तों 3 महीने के लिए अप्लाई किया था और दोस्तों यहाँ पर जो मेरी किस्त ईएमआई होने वाली थी वो दोस्तों 1817 रुपए मेरे यहाँ पर ईएमआई चले जाती अगर दोस्तों ये मेरे को लोन प्रोवाइड करवा देते। और दोस्तों अगर हम टोटल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 451 रुपए मेरे को यहाँ पर एक्स्ट्रा देने पड़ते 5000 रुपए पे, वो भी 3 महीनों के अंदर। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी एप्लीकेशन होने वाली है इस, ये दोस्तों आपको लोन वगैरह या फिर अगर कोई भी यहाँ पर अलग कंपनी से आप लोन लेते हो तो दोस्तों यहाँ से उससे थोड़ा कम इसका इंटरेस्ट वगैरह या जो फीस वगैरह उससे कम पड़ेगी आपको, ठीक है। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्टली जाके दोस्तों आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद में आपको क्या क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, छोटा सा एक अकाउंट क्रिएट यहाँ पर आपको करना पड़ता है, वो दोस्तों मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे दोस्तों आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड करने के बाद में कुछ आपके पास में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास में दिखाई दे जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आप यहाँ से पहले से रजिस्टर्ड कर रखा है तो दोस्तों साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर पहले से ऑलरेडी रजिस्टर नहीं कर रखा है तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ, साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपके पास में 3 ऑप्शन आपके पास में दिखाई दे जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर से यहाँ से वेरीफाई करवा लेना है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दिया है, मैं यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करूंगा, मेरे पास में एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई करवा देता हूँ। मैं यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करवा देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करवा देता हूँ उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या, आपके पास में 2 ऑप्शन आपके पास में दिखाई दे जाता है। या तो दोस्तों आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी या फिर दोस्तों आप इसको फेसबुक से भी यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर चूज कर लेनी है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ईमेल आईडी, जो मेरी ईमेल आईडी है वो मैंने यहाँ पर चूज कर लिया और दोस्तों उससे मैं वेरीफाई करवा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर वेरीफाई करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे दोस्तों आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं उसके बाद में ऐसा इंटरफेस आपके पास में दिखाई दे जाता है। दोस्तों आपको पैन कार्ड, यहाँ पर पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद में नीचे की साइड में आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा कि आपका फुल नेम क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको फुल नेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में उसके नीचे दोस्तों आपके पास में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर आपको डाल देनी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मेल और फीमेल, मेल चूज कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप मेल फीमेल यहाँ पर चूज कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको एम्प्लॉय टाइप चूज करना है, जो भी आपके एम्प्लॉय होंगे जो भी आप होंगे वो यहाँ पर चूज कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉय पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में नेम ऑफ बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस का नेम हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर जो आपका जो भी बिजनेस होगा वो यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ आप। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर अपने बिजनेस का, जो भी आप बिजनेस करते हो उसका यहाँ पर फिल कर देते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जितने भी रिक्वायरमेंट है वो दोस्तों यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे दोस्तों आप फिल कर देते हो उसके बाद में नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ पर दोस्तों आपको लोकेशन मांग रहा है, लोकेशन की आप कहाँ से रहते हो, कहाँ पर, क्या आपका पिन कोड हो, यहाँ पर आपको डाल देना जो भी आपका पिन कोड होगा। हैव यू ए टेकन ए लोन इन पास्ट, क्या आपने पहले से लोन ले रखा है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया। डू यू हैव ए क्रेडिट कार्ड, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में दोस्तों आपके पास में ऑप्शन आ जाए कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट होगा तो यहाँ पर चूज कर लेना, नहीं होगा तो अदर पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे दोस्तों आप ये यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद में नीचे की साइड में आपके पास में लिखा हुआ जाता है डू यू हैव ए डेबिट कार्ड ऑफ दिस अकाउंट, क्या आपके पास में इस अकाउंट का डेबिट कार्ड है, तो मैंने यहाँ पर यस पर क्लिक कर दिया है। यू हैव इंटरनेट, क्या आपके पास में इसकी इंटरनेट बैंकिंग है, तो दोस्तों मेरे पास में नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर दोगे। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की साइड में आपके पास में एक ऑप्शन आपके पास में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपको बोल रहा है कि आपको यहाँ पर लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 50,000 रुपए की मेरे पास में यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पर 50,000 रुपए मैंने यहाँ पर डाल दिए। और दोस्तों मेरे को क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पर मैंने को यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास में कुछ ऐसे मेरे पास में दिखाई दे जाता है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर अप्लाइंग बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू ऑफर यू ए लोन एट दिस मोमेंट अश्विनी कुमार। मेरा नाम अश्विनी कुमार है, तो दोस्तों मैंने अपने खुद के नाम से यहाँ पर लोन को अप्लाई किया था, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा यहाँ पर लोन अप्लाई नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, अभी दोस्तों ये वीडियो छोड़कर मत भाग जाना, क्योंकि दोस्तों इन्होंने रीजन दिया है एज इज लेस देन 25 ईयर ओल्ड, अगर दोस्तों आप यहाँ से 25 साल से नीचे की उम्र के हो तो दोस्तों यहाँ से आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर दोस्तों आप 25 साल से प्लस के यहाँ पर 25 साल के भी हो या फिर आप 25 साल से प्लस हो उसी को यहाँ से लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये एप्लीकेशन बहुत ही मेरे को इस मामले में बहुत ही बेकार एप्लीकेशन लगी है। अगर दोस्तों आपकी 25 साल से एज प्लस है तो दोस्तों यहाँ से आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो, पर दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको जो भी आप जितनी भी दोस्तों आपको रिक्वायरमेंट होती है उतना ही आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। ये नहीं कि आपने लोन अप्लाई किया है तब जाकर आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, तब जाकर दोस्तों आपको लोन अप्लाई किया जाएगा, तब जाकर दोस्तों उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओ। मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट है कुछ कम अमाउंट की, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ता है, अदर एप्लीकेशन में आपको क्या करना पड़ता है, जितने भी आपको अपने आपको क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से तो वो लोन नहीं मिल पाता, उससे ज्यादा मिल जाता है या फिर उससे कम मिल जाता है। पर दोस्तों इस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको एक यहाँ पर ऑफर मिल रहा है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चूज कर सकते हो कि आपको यहाँ पर कितना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कितना अमाउंट यहाँ पर आपको लोन पर लेना है और कितने महीनों के लिए लेना है। यहाँ पर दोस्तों मेरे अभी अप्लाई नहीं हो पाया क्योंकि दोस्तों मेरी 25 साल से एज कम है, इस वजह से मेरा यहाँ पर लोन अप्लाई नहीं हो पाया। दोस्तों आप अगर 25 साल से प्लस है तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर डायरेक्टली आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। छोटा सा अकाउंट है इसमें आप क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद में दोस्तों आप अपने पैन कार्ड आधार कार्ड की मदद से यहां पर एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। जैसे ही एलिजिबिलिटी चेक हो जाती है उसके बाद में 10 से 15 मिनट में जो भी आपकी लिमिट होती है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो दोस्तों ये आज की एप्लीकेशन थी, आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो चलो लाइक कीजिए, अगर दोस्तों अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।